इस वक्त की बड़ी खबर गोपीकांदर थाना क्षेत्र से आ रही है। बता दें कि गोपीकांदर थाना क्षेत्र के दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग दोबरना गांव के पास टेम्पो दुर्घटना में 19 वर्षीय फातिमा बीबी की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में महिला की एक 4 वर्षीय बेटी रोशनी खातून की हालत नाजुक बताई जा रही है। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची गोपीकांदर पुलिस ने घायलों को अमरापाड़ा CSC भिजवाया, जबकि महिला का शव और टेम्पो JH04S3396 को कब्जे में लेकर थाना ले आई है। अमरापाड़ा CSC में प्राथमिक उपचार के बाद रोशनी को बेहतर इलाज के लिए पाकुड़ सदर अस्पताल भेज दिया गया, बाकी का इलाज CSC में ही चल रहा है। महिला पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा थाना क्षेत्र के पादरकोला गांव की रहने वाली थी। महिला के ससुर जाकिर अंसारी ने बताया कि 3 बच्चा और महिला पुरुष सहित 7 यात्री महेशपुर से अमरापाड़ा आने वाले टेम्पो पर रोला ग्राम में चढ़े थे। गुम्मा मोड़ पार करने के बाद दोबरना डाउन में टेम्पो चालक ने नियंत्रण खो दिया और बीच सड़क पर टेम्पो पलट गई। दुर्घटना में महिला के सिर कुचल गया, वहीं 4 वर्षीय रोशनी का भी सिर पर गहरी चोट आई है। जाकिर ने बताया कि वह बेटे की बहू को लाने के लिए ही रोला ग्राम गया हुआ था। रोला ग्राम में टेम्पो से अमरापाड़ा आना था, फिर बस से घर पादरकोला जाते, लेकिन बहू को घर नहीं ले जा पाए। वह किनारे में बैठी थी और बच्ची भी उसके गोदी में थी, बाकी को आंशिक चोट आई है। गोपीकांदर से पंकज मंडल, समाचार आस्था। क्या आप भी हैं लॉकडाउन और बेरोजगारी से परेशान? तो घबराएं नहीं, इस लॉकडाउन और बेरोजगारी में भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है इजी कैश पॉइंट। इजी कैश पॉइंट मौका दे रहा है बहुत ही कम खर्च में CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का मौका। CSP खोलकर आप कमा सकते हैं 10 से 20 हजार रुपए प्रति महीना। मनी ट्रांसफर, आधार कार्ड से पैसे निकलवाने की सुविधा, सभी कंपनियों के मोबाइल व DTH रिचार्ज, बिल पेमेंट, बैंक कार्ड जैसी सुविधाएं और सभी ट्रांजैक्शन पर पाएं तुरंत कमीशन। आज ही CSP ID लेने के लिए और CSP संबंधित जानकारी पाने के लिए संपर्क करें 9162571443 पर।